हे गाइस, कहते हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं MCO 21 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आप इस टर्म को, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है, आप इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि क्या टॉपिक में कहा गया है, ठीक है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जो MCO 21 का एग्जाम जो है इस वाले सेशन में देना चाहते हैं, जून वाले सेशन में, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं टू गेट द नोट्स, एंड वी विल लेट यू नो देयर, ठीक है ना, क्या फीस एंड ऑल है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है इसको दबा दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? अब मैं अगर आपको इन जनरल, अगर मैं इसके बारे में आपको समझाऊं, तो इसको आप इस तरीके से समझो कि सपोज आपके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। उस जमीन के टुकड़े पे आप दो चीज की पैदावार कर सकते हो, या बहुत सारी चीजों की आप पैदावार कर सकते हो। खेती आप बहुत सारी चीजों की कर सकते हो, ठीक है ना। सपोज आपने वीट का किया और पोटेटो का किया। यहाँ पे वही एग्जाम्पल हमें दिखेगा, वीट का किया या पोटेटो का किया, है ना। तो दोनों तो आप एक साथ नहीं कर सकते। करने से या तो आप वीट करोगे या तो आप पोटैटो करोगे। तो इन दोनों केस में आप कोशिश करोगे कि जो आपके लिए बेहतर है वही आप करो, ठीक है ना। तो सपोज आप वीट कर रहे हो, बट आपको पता चला कि नहीं, अगर मैं पोटैटो करता हूँ तो मे बी शायद मेरा थोड़ा ज्यादा इनकम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मुझे मिल सकता है। तो ये जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप अपने कॉस्ट को इंक्रीज कर सको, आई मीन जो आपके बेनिफिट्स है उनको बढ़ा सको, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बोली गई है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो देखो, द प्रिंसिपल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द रिटर्न दैट कैन बी हैड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ये वो रिटर्न होता है, ये वो पैसा जो है आपके पास वापस आता है, जो कि नेक्स्ट बेस्ट, जब आप किसी ऑल्टरनेटिव यूज के लिए उस लैंड का इस्तेमाल करोगे, उस जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल करोगे, तो जो बेनिफिट आपको मिलेगा दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, ठीक है ना। कि उसके जगह पे अगर आप ये लगा रहे हो तो क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। अ फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग वीट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस पोटेटोज विद द सेम फैक्टर्स। एक फार्मर जो कि वीट को पैदा करने में जो फैक्टर्स लगते हैं, सेम फैक्टर्स पोटेटो को पैदा करने में भी लगते हैं। तो फार्मर जो है वीट के बाद पोटेटो को भी लगा सकता है सेम लैंड पे। देयरफॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्विंटल ऑफ वीट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ पोटेटोज गिवन अप, ठीक है ना। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो होगा जो जो आपका वीट, जो आपने वीट पैदावार किया था, वीट का जो पैदावार किया था उसमें जो आपको एक तरीके से अमाउंट मिला है, अगर आपने पोटेटो को एक तरीके से गिवन अप किया तो उसके बदले जो आपको वीट को करने से जो मिला वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों चीज एक टाइम पे तो नहीं लगा सकते, है ना। लेकिन जब आप इसका पोटेटो का पैदावार छोड़ करके वीट का पैदावार करते हो, तो उस जो आपने उसको एक तरह से गिवन अप किया उसके बदले आपने ये लगाया, उसके लिए जो आपको बेनिफिट मिला, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में लाइक एक तरीके से बोल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑल्टरनेटिव, है ना। तो यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो चीजें आप कर सकते थे लैंड में, जो आपके पास पीस ऑफ लैंड है उस पर आप या तो वीट कर सकते थे या तो पोटेटो कर सकते थे। तो पोटेटो में अगर आपका कम इनकम हो रहा है, वीट में ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप वीट को करना चाहोगे, राइट। तो जब आप किसी एक चीज को छोड़ते हो, ठीक है ना, और उसके बदले कोई दूसरी चीज करते हो, तो जो जो एक तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को करने का जो आपका कॉस्टिंग पड़ता है, जो बेनिफिट्स आपको मिलता है, वो सारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। व्हेनेवर द मैनेजर टेक्स अ डिसीजन ही चूजेस वन कोर्स ऑफ एक्शन। जब कोई मैनेजर किसी एक काम को करना चाहता है, किसी काम को करना चाहता है, तो वो एक कोर्स ऑफ एक्शन ही चुनता है कि तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इस तरीके से मुझे काम करना है, सैक्रिफाइसिंग द अदर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट उसमें से जो मैनेजर होगा वो कोई एक तरीका ही चुनेगा। अगर वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल करेगा, हो सकता है उसका काम ठीक तरीके से हो ना पाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो कोई एक चीज ही वो करता है। वी कैन देयरफॉर वैल्यू द वन व्हिच इज चूजन इन द टर्म्स ऑफ द अदर ऑल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड। तो यहाँ पे हम एक तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने ऑप्शन चूज करा है, जो हम लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन चूज करा है, वो ऑप्शन अगर हम लोगों ने ये दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करा करना किया होता, जिसको सैक्रिफाइस हम लोगों ने कर दिया, तो क्या डिफरेंस आता,
ठीक है ना, वो चीज हमें वहां पे इवेल्युएट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ, अ मशीन कैन प्रोड्यूस इधर एक्स और वाई। एक मशीन जो है एट ए टाइम, तो या तो वो एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी या तो वाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब एक्स वाई में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ नाम दिया गया है। तो एक मशीन एक्स भी कर सकती है, वाई भी कर सकती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ वाई व्हिच इट वुड हैव प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो गया कि आपने एक्स का वो हिस्सा जितना आपने प्रोड्यूस करा है उसके बदले नहीं, एक्चुअली वाई के बदले, वाई का जितना आपने प्रोड्यूस किया होता उस अमाउंट में, उस क्वांटिटी में, उसके बदले आपने जितना एक्स का प्रोड्यूस करा है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, सपोज एक्स में आपका 15 हो गया और वाई में आपका 10 था, ठीक है, तो वाई को आपने स्किप कर दिया कि चलो वाई को हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक्स को करते हैं, क्योंकि वहां पे 15 क्वांटिटी हमको मिलेगा, राइट। यहाँ पे जो ज्यादा आपका बढ़ जा रहा है यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन क्वांटिटी एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ वाई व्हिच इट वुड हैव प्रोड्यूस, जो कि उसने प्रोड्यूस करा होता। ओके, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ₹1,000 एज कैश इन हैंड फॉर 1 ईयर इज द 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वुड हैव बीन अर्नड हैड इट बीन इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपका 1,000 रुपए, उसके लिए आपको 10% का जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रखते तो लाइक वो क्या होता, या सेविंग्स बैंक में रखते तो फिर वो क्या होता, है ना। ये जो डिसीजंस है कि आपको सेविंग्स बैंक में रखना है या फिक्स डिपॉजिट में रखना है, ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे प्ले करता है। आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना होता है कि कहाँ पे आपको कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन सा वाला ज्यादा बेहतर है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा आपको उसी को चूज करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एक तरीके से इवेल्युएट करना पड़ेगा, और वो सारा इवेल्युएशन जो है वो क्वांटिफिकेशन में होता है, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, ताकि आप देख पाते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है ऑल द ऑल डिसीजंस व्हिच हैव इन्वॉल्व मस्ट बी इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन। जितने भी डिसीजंस आप लोगे उसमें आपको अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले पाओ कि कौन सा बेहतर है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी इधर रियल और मॉनेटरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल हो सकता है, मॉनेटरी हो सकता है, पैसे के टर्म्स में हो सकता है, इधर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इधर क्वांटिफाइबल और नॉन क्वांटिफाइबल एंड क्वांटिफाइबल। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रियल भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है। रियल मतलब एक तरीके से जो हमें दिख रहा है चेंजेस, है ना, वो, या पैसे के टर्म्स में भी हम उसको बता सकते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट तो है ही, साथ में क्वांटिफाइबल या फिर नॉन क्वांटिफाइबल, दोनों ही तरह का हो सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर आगे वाले पैराग्राफ की बात करें, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंस इज नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल डिसीजन। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये लिमिटेड एक तरीके से जरूरी नहीं होता, आप बोल सकते हो इंडिविजुअल डिसीजन के लिए, अगर आप कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हो तो उसमें फिर ये काम नहीं करेगा, ये इसका जो है कोई रिलेवेंस नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आता है, जब आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, जो बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे वो डेफिनेटली आप किसी ना किसी कैलकुलेशन के बेसिस पे करोगे, राइट। तो ये जो ऑप्शन चूज करने की जो बारी आती है, ऑप्शन चूज करने का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी को या फिर इसके प्रिंसिपल को हम लेकर के आएंगे। सिंगल जो होगा, इंडिविजुअल डिसीजन जो होगा, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो एक तरीके से थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑल्सो रिलेवेंट इन गवर्नमेंट डिसीजन विच अफेक्ट एवरी वन इन द सोसाइटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो गवर्नमेंट के डिसीजन होती है वहां पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उनके जो भी डिसीजन होती है उनका असर जो है सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। समटाइम्स एक सोसाइटी के कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को बेकार लगता है, पर अगर ज्यादा लोगों को सही लगता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ज्यादा लोगों को जो सही लग रहा है गवर्नमेंट उस चीज को अप्लाई करेगी, जो भी उनका डिसीजंस वगैरह होंगे। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको दिख रहा है कि इतने में अगर हम करते हैं इसको तो ज्यादा लोग इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये करेंगे तो ज्यादा लोग हमारे साथ चले जाएंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, इवेल्युएट उन लोगों ने कर लिया तो जो बेस्ट पॉसिबल है उसको उन लोगों ने एज अ डिसीजन थोप दिया सोसाइटी के ऊपर कि चलो ये हम ये कर रहे हैं। तो चूंकि ज्यादा लोग उस चीज को एग्री करने वाले हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल करती है, आई मीन अपॉर्चुनिटी थ्योरी का इस्तेमाल करती है। अ कॉमन एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ, कॉमन एग्जाम्पल इज द गन्स वर्सेस बटर डिबेट, है ना, कौन सा बेहतर है, मतलब क्या चाहिए आपको, गन या फिर बटर। ये टेक्निकल टर्म हो जा रहा है। द सोर्स द रिसोर्सेज दैट अ सोसाइटी हैज आर लिमिटेड। ठीक है ना, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमारी सोसाइटी में है, वो लिमिटेड है।
मतलब खाने वाले लोग ज्यादा हैं और खाना कम है, राइट? इस तरह से चीजें, रिसोर्सेस मतलब जो हमारे पास हैं जिसका इस्तेमाल सारे लोग करेंगे, पर उसमें स्केयरसिटी होती है, लिमिटेड का मतलब है स्केयरसिटी, ठीक है ना, कम है आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप खिला पाओ, तो आप क्या करोगे, आप थोड़े थोड़े करके सब में बांट दोगे, है ना। यहाँ पे जैसे गन का एंड बटर का एग्जाम्पल दिया है, आपको खाने के लिए क्या जरूरी है, बटर। अब सपोज आपने खाना छोड़ करके आपने सोचा कि नहीं मैं शौकिया मैं गन खरीद लेता हूँ, उससे आपको बटर थोड़ी मिलेगा, उससे आपका पेट थोड़ी भरेगा, है ना। तो पेट भरने के लिए आपको बटर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब खाने की आवश्यकता पड़ती है, ना कि गन की। तो आप डेफिनेटली जो बटर है, जो खाना है, आप उसकी तरफ आप जो आपका अपॉर्चुनिटी है वो उसकी तरफ चला जाएगा, राइट। देयरफॉर इट्स डिसीजन टू यूज द रिसोर्सेज टू हैव मोर गन्स मोर वेपन्स मीन्स व्हाट इट हैव लेस बटर। अगर ज्यादा आपके पास अगर आप अपना गन्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करोगे तो आपका जो खर्च है वो खाने के ऊपर कम होगा, और खाने के ऊपर का अगर कम खर्च होगा तो डेफिनेटली जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी, राइट। सो दस व्हेन द सोसाइटी स्पेंड्स रुपीज स्पेंड्स 100 करोड़ ऑन डेवलपिंग एंड डिफेंस सिस्टम, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट डिसीजन इज 100 करोड़, नॉट स्पेंड ऑन फाइटिंग ड्रग्स, हेल्पिंग द होमलेस और पेइंग ऑफ सम नेशनल डेट, और पेइंग ऑफ सम नेशनल डेट, ठीक है। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा गन्स खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, 100 करोड़ सपोज हम लोगों ने पे करा वेपन्स खरीदने के लिए, तो इसका मतलब ये भी है कि उस 100 करोड़ को हम लोग जहाँ खर्च कर सकते थे ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है उसको फाइट करने में, या जो होमलेस है उनको घर दिलाने में, वो चीज हम नहीं कर रहे हैं, है ना। वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि एक को सेक्रीफाइस करके ही दूसरा हासिल हो पा रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही है कि एक को जब आप छोड़ते हो तो दूसरे के बदले आपको कितना बेनिफिट मिल पाता है, ठीक है ना, कितना आपको वो महंगा पड़ता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग गन्स ओवर बटर इंक्रीजेस एज द प्रोडक्शन ऑफ गन्स इज इंक्रीज, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर ध्यान दें, बात बोलें, तो यहाँ पे देखो गन्स लोग ज्यादा ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि गन्स का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया है। अब आपको पता होगा जब किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ती है, यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोला जा रहा है गन्स और बटर, ठीक है ना, इसको एक तरीके से मतलब फाइनल थॉट नहीं मानना है कि यही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखा जाता है कि जो गन्स है ना उसको लोग ज्यादा चूज करते हैं बटर के मुकाबले, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा है ना। तो जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसकी प्राइस घट जाएगी, उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस घट जाएगी, तो गन्स को अफोर्ड करना आसान हो गया मेरे लिए, तो मेरा खर्च जो है वो क्या क्या हो जाएगा, वो गन्स की तरफ ज्यादा होने लगेगा, ऐसा होता है इकोनॉमिक्स में। द रीजन इज दैट सम रिसोर्सेज आर रिलेटिवली बेटर सुटेड टू प्रोड्यूसिंग गन्स, ठीक है ना। अब इसके पीछे देखो वेरियस फैक्टर्स हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रिसोर्सेस सपोज ऐसे आपके पास अवेलेबल है जो कि गन्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, बटर के लिए सुटेबल नहीं है। जो चीज आपके पास अवेलेबल है उससे आप गन आसानी से बना सकते हो, बटर आसानी से नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे, आप गन ही प्रोड्यूस करोगे, है ना। पर अगर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपको वो चूज करना पड़ेगा, राइट। ये बात यहाँ पे बोली गई है। द क्वांटिटी ऑफ बटर विच हैज टू बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गन्स। यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कि द क्वांटिटी ऑफ बटर, ठीक है, जितना क्वांटिटी ऑफ बटर आप खरीद सकते थे या ले सकते थे, विच हैज टू बी सेक्रीफाइस, जिसको सेक्रीफाइस कर दिया गया एक एडिशनल यूनिट गन को बनाने के लिए, ठीक है। सपोज आपके पास 100 गन्स हैं, एक गन आपने और बनाया, तो वो जो आप एडिशनल एक गन बना रहे हो उसके बदले जितना आपका बटर जो है एक तरीके से नुकसान हो रहा है, मतलब बटर आप नहीं खरीद रहे हो या उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा उस गन का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक गन की प्राइस 100 रुपए है, आपके पास 100 गन ऑलरेडी है, आप एक गन और बना रहे हो, तो 100 रुपए आप और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 100 रुपए के बदले आप जितना बटर आप बना पाते, ठीक है ना। अब सपोज 100 रुपए का गन के बदले आप 150 रुपए का बटर बना पाते, ठीक है, तो 150 रुपए जो आपका है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जा रहा है उस एडिशनल एक गन के लिए जो आपने गन बनाने में जो खर्च किया, ठीक है, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गन्स द पीपीसी कर्व विल कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, यहाँ पे मैंने बनाया भी नहीं है कर्व, तो उसको रहने देते हैं। ये बस लाइन याद रखिएगा कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है, लाइक उसका प्राइस अगर इंक्रीज होता है, तो फिर तो पीपीसी कर्व होगा, पीपीसी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, पीपीसी कर्व होगा वो कॉनकेव होगा टू द ओरिजिन,
ठीक है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गन्स मीन दैट टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गन्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ बटर हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने का मतलब है, गन्स के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बढ़ने का मतलब है कि आप एक एक यूनिट जो गन का इस्तेमाल कर रहे हो उसके बदले आपको बटर का बहुत सारा यूनिट, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ बटर यू हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड, वो सारी चीजें आपको जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, द बेसिस फॉर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फॉलोइंग एजम्पशन। अब किस एजम्पशन के बेसिस पे ये जो है होता है उसके बारे में बोला गया है, तो सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड सम मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, दस स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का सपोज आप इस्तेमाल जो है बटर में कम कर सकते हो, गन्स में ज्यादा कर सकते हो, तो आप जिस चीज में बेहतर हो आप उसी चीज को बनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो जब आप ज्यादा गन्स बनाने लगोगे तो उसका जो कॉस्ट है आपको बटर से निकालना पड़ेगा, मतलब बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खाने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गन्स को बनाने के लिए, राइट। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे चला आता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो है ही कुछ इस तरीके का रिसोर्सेज कि इधर आप ये करो या तो वो करो, ठीक है ना, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, और जितना आप एक को चूज करोगे उतना ही आपको सेक्रीफाइस करेगा करना पड़ेगा, उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे वाले को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, ये जो फैक्टर आ जा रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज सुटेबल है एक प्रोडक्ट के लिए, इस फैक्टर को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास वो फैक्टर ही स्पेशल है जिसके जरिए आप गन ज्यादा बना पा रहे हो, बटर आप बना नहीं सकते, ठीक है ना, आपके पास रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल है जिसमें आप गन ही ज्यादा बना पा रहे हो। दस स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चूंकि आपके पास स्पेशल स्पेसिफिसिटी उस प्रोडक्ट की है, उस चीज के रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यू नो उसी चीज का प्रोडक्शन करोगे, और जब आप उसी चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर बताया जा रहा है यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स रिक्वायर मोर ऑफ वन फैक्टर देन द अदर। ठीक है, किसी एक गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो रिक्वायर करता है एक फैक्टर, ठीक है, मोर ऑफ वन फैक्टर देन द अदर, दूसरे फैक्टर के मुकाबले किसी एक फैक्टर के ऊपर ज्यादा वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज को बनाने में बहुत सारी चीजें लग रही हैं, बट कोई एक फैक्टर ही होता है जिसमें वो एक्सेप्शनल हो जाता है, तो एक ही होगा ना, बाकी सब का इस्तेमाल तो यहाँ पे ज्यादा नहीं हो रहा है, एक ही फैक्टर आपके पास चूंकि बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो आप उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, उसी चीज का प्रोडक्ट आप बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ गन्स मे रिक्वायर मोर कैपिटल देन दैट ऑफ बटर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गन्स आपको बनाने में ज्यादा कैपिटल लगेगा बटर के मुकाबले, ठीक है, हेंस एज मोर ऑफ द कैपिटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गन्स इज लाइकली टू इंक्रीज। ठीक है, तो कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, LLCOE, लैंड लेबर कैपिटल अपॉर्चुनिटी, और सॉरी लैंड लेबर कैपिटल, ओ फॉर था, आई डोंट नो यार मैं भूल गया, ओ फॉर समथिंग कुछ था, एंड ई फॉर था एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आप जरा से गूगल कर लेना आपको मिल जाएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सपोज आपके पास कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, और चूंकि गन्स की यू नो मार्केटिंग भी ज्यादा है, गन्स लोग खरीदते हैं यू नो अमेरिका में तो लाइक काफी कॉमन है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, गन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं चूंकि उनके पास कैपिटल ज्यादा है, बटर को प्रोड्यूस करने में ज्यादा कैपिटल नहीं लगेगा। तो आपके पास अगर ज्यादा कैपिटल होगा तो आप बटर के ऊपर कम ध्यान दोगे क्योंकि वहां तो ज्यादा कैपिटल लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वो तो इजिली कोई भी बना लेगा, है ना। लेकिन जो जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो गन के तरफ ध्यान देगा क्योंकि उस चीज में खर्चा मतलब ज्यादा पड़ता है, एक गन को बनाने में खर्च ज्यादा पड़ता है। तो आपके पास अगर पैसे ज्यादा होंगे तो आपका खर्च भी गन को बनाने में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गन बनाओगे तो आप उसकी मार्केटिंग, उसकी सेलिंग आप पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हो और आपको वहां से बेनिफिट भी मिलेगा। पर अगर आप बटर बनाओगे तो उसका इस्तेमाल या तो आपके घर वाले मतलब जो कंट्री के लोग हैं वो करेंगे, या बाहर भी अगर जाएगी तो ज्यादा बेनिफिट आपको वहां पे मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग गन के तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे अमेरिका का जो कल्चर है, अमेरिका में पैसे बहुत ज्यादा है आपको पता है, तो अमेरिका में लोग अब गन जो है सबके पास है, तकरीबन हर एक आदमी गन कैरी कर सकता है, हर एक दुकानों पर आपको गन मिल जाएगा, मतलब वहां पे गन ऐसा है जैसे कि जैसे हम लोग दाल चावल खरीदते हैं, वहां पे लोग गन खरीद करके बैठे हुए हैं, इसलिए वहां पे मास शूटिंग्स की जो केसेस हैं वगैरह वो भी बहुत ज्यादा आती रहती हैं। तो उनके पास कैपिटल ज्यादा है, हमारे पास कैपिटल कम है,
तो क्या हम गन प्रोड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो पहले रोटी कपड़ा मकान देखेंगे ना, उसके बाद फिर जो चीजें आएंगी उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि लोगों के पास यहाँ पे जो स्पेशल फैक्टर के बारे में बोला गया कि कैपिटल ज्यादा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गन्स का। और अगर गन्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसका असर बटर के प्राइस पे पड़ेगा कि उसके बदले हम बटर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे, तो बटर तो हम लोगों ने किया नहीं। आप गन ही ज्यादा कर रहे हो तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ता है, ठीक है ना, वो बात यहाँ पे बोली गई है। नाउ लेट अस एज्यूम दैट इन एन इकोनॉमी इज एट पॉइंट ए। इसको थोड़ा ग्राफ बना के दिखाना चाहिए था, कोई नहीं। इस पॉइंट ए वेर इट यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज इन द फंक्शन ऑफ बटर, ठीक है ना। एक पॉइंट है ए जहां पे आप अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो बटर को तैयार करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम ए द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ गन्स रिक्वायर्स दैट एसी यूनिट। अच्छा, इसको रहने देते हैं, ये बगैर बगैर पैराग्राफ बगैर ग्राफ के या बगैर कर्व के जो हमारा बनता है, बगैर उसके पॉसिबल नहीं है इसको समझा पाना, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है। आप चाहो तो हालांकि इसको याद करके एग्जाम में लिख सकते हो, पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिना समझे याद कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में या इन फ्यूचर जब भी अगर इस टॉपिक को दोबारा करवाऊं तो एक ग्राफ के साथ मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। और इन नटशेल अगर मैं बताऊं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही है कि आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। और जो बेस्ट ऑप्शन आप चूज करोगे उसके लिए आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि एक यूनिट अगर आप बढ़ाओगे किसी एक चीज को बनाने में तो उसके बदले दूसरे यूनिट का कितना सेक्रीफाइस जो है आपको करना पड़ रहा है। और जितना आप सेक्रीफाइस करोगे वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। तो आपको अगर बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उससे अगर आपको ज्यादा लॉसेस होंगे, ठीक है ना, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में आप उस अपॉर्चुनिटी को उस ऑप्शन की तरफ आप नहीं जाओगे, आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाओगे। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। एंड यहीं पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल जो है काम में आता है, ठीक है। सिंगल डिसीजन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो सिंगल होता है। मल्टीपल जब आप यहाँ पे ऑप्शन होंगे तो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।